दोस्तों द रिपब्लिकन टाइम्स के तमाम दर्शकों को डॉक्टर परवेज आलम का अभिनंदन। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के जो प्रॉब्लम अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लड़कियां तो इस प्रॉब्लम से परेशान है ही और पुरुषों भी जो है इस प्रॉब्लम से अब अछूता नहीं है। बालों का झड़ना, ये झड़ते झड़ते जो है एक ऐसे कगार पर पहुंच जाता है जो टकले की स्थिति आ जाती है, गंजापन। मैं आज कोई भी केमिकल के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको बिल्कुल प्राकृतिक चीज से जो है आप अपने बालों को किस तरीके से मजबूत, घना और लंबा कर सकते हैं, मैं वही बताने वाला हूं। अदरक का नाम आपने सुना होगा। अदरक के पोषक तत्व बालों की खोई हुई जान को वापस लौटाने का काम करता है। दोस्तों अदरक वैसे तो एक सुपर फूड होता है जिसका इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है। सर्दियों के मौसम में शरीर को अंदर से गर्मी दिलाने के लिए अदरक की चाय का सेवन किया जाता है। तो कहीं कुछ लोग अब जो है स्किन का जो अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें राहत पाने के लिए अदरक के लेप का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हो अदरक का जूस आपके बालों के लिए कमाल कर सकता है। अदरक के पोषक तत्व टूटते, झड़ते और गिरते बालों में नई जान फूंक सकता है, क्योंकि अदरक में सिलिकॉन नाम का एक यौगिक पाया जाता है जो बालों को हेल्दी बनाने में मदद करता है। और अदरक में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम नामक तत्व भी होता है जो बालों का झड़ना, गिरना और टूटना कम करता है, ठीक है। अदरक का रस बालों में लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है, ठीक है, जिससे वे लंबे और घने होते हैं, समझना है। इसके अलावा अदरक में विटामिन सी जो देख रहे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ठीक है, मैग्नीज और क्रोमियम पाए जाते हैं जो बालों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब लगाना कैसे है इसको भी जानना है। 2 चम्मच अदरक का रस और 1 छोटा चम्मच प्याज का रस को मिलाना है दोनों को, ठीक है। फिर ड्राई बाल, जो सूखे बाल है, सूखे बालों में 5 मिनट तक उसको क्या करना है, मसाज करना है। फिर 15 से 20 मिनट तक बालों में इसी तरह से लगा रहने के लिए छोड़ दें। और फिर बाद में क्या करना, 20 मिनट के बाद बालों को नॉर्मल पानी से वॉश कर ले, धो ले। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप अदरक और प्याज का रस को सप्ताह में 2 बार लगा सकते हैं दोस्तों। अगर किसी को ये सब लगाने से प्रॉब्लम होती है, किसी को एलर्जी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछ सकते हैं। बस इसी तरह से हमारे चैनल द रिपब्लिकन टाइम्स को आप देखते रहें और प्रत्येक शुक्रवार को जो है हमारा स्वास्थ्य और ब्यूटी टिप्स जो है मैं आपके सामने में प्रस्तुत करता रहूंगा। जो व्यूअर्स हमारे नए हैं, हमारे चैनल द रिपब्लिकन टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि जितनी भी वीडियोज हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, उनका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए डॉक्टर परवेज आलम को विदा। जय हिंद, जय भारत।